कोर्ट के अंदर एक पुरअमन एहतजाज पे बैठे हैं। पिछले 1.5 साल से नॉर्दर्न रेलवे कान और यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी तरफ से लोगों को जो आश्वासन दिए गए हैं, हमने आज से 4 दिन पहले पंचायत में एक हंगामी इजलास तलब किया था और ग्राम सभा के रेजोल्यूशन के तहत पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात कही थी कि जो डिसीजंस डिप्टी कमिश्नर साहब रामबन ने 2 मीटिंग्स में लिए, हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। यहाँ के लोग नेशनल प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ नहीं है, हमने बहुत मेहनत करके लोगों को इस चीज़ के लिए माइल किया था कि इस प्रोजेक्ट को हम मदद करें, लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में 2 नेशनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो रेलवे का नेशनल प्रोजेक्ट है और दूसरा हमारा NH-44 का नेशनल प्रोजेक्ट है। NH-44 में जैसे कि पता है आपको कि टनल का भी हमारा जो 8.5 किलोमीटर की जो डबल ट्यूब है वो बन रही है। बनकूट में एक इशू था स्टॉपेज का, आज मैंने बनकूट के सरपंच से और उनके जितनी भी उनके साथ जो डेलीगेशन आए थे उनसे बात की, उन्हें मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि जो नेशनल प्रोजेक्ट पे जो है वो काम चलना चाहिए क्योंकि देहर टू मीट देयर डेडलाइंस। बाकी जो उनके अपने एस्पिरेशंस हैं, इश्यूज हैं, उन्होंने अपने मकान के जो डैमेजेस के इश्यूज उठाए और उसमें एक कमेटी पहले कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसमें कुछ डिसीजंस लिए गए, एक नई भी लोगों के साथ बात की और उन्होंने कुछ कागज़ हमारे साथ शेयर किए हैं और मेरे कलेक्टर साहब भी मेरे साथ थे, SDM साहब भी साथ थे। हम उस पर बात करके ये पूरी कोशिश करेंगे कि उस मसले को भी हम इन ए वेरी एमिकेबल वे में रिजॉल्व करके इस स्ट्रेच में भी काम इमीडिएटली शुरू करें ताकि हमारा बैलेंस काम जो है वो इमीडिएटली कम्प्लीट हो जाए।